राहुल गांधी सामे मानहानिना केस पर गुजरात हाईकोर्ट नो चुकादो। कांग्रेस ना नेता शक्तिसिंह गोहिल कहे छे के आ एनसीथी 90 पाना नो निर्णय हतो। अभिषेक मनु सिंघवी संपूर्ण चुकादा नो अभ्यास कर्या बाद आजे बपोरे 3 वाग्या एर्चनी सत्तावार प्रतिक्रिया आपशे। अमने खात्री छे के मामलो सुप्रीम कोर्ट मां जशे। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी जी की जो अपील थी उसमें फैसला सुनाया है। 80 से 90 पन्नों का फैसला है। अभी जज साहब की साइन नहीं हुई है। पूरे जजमेंट को स्टडी करने के बाद 2:03 बजे ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जी ऑफिशियल रिएक्शन देंगे। हमें पूरी उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट में ये मैटर जरूर जाएगी और जो पहलू राहुल गांधी जी की फेवर में है कर्नाटक में कुछ बोलने पे सुप्रीम कोर्ट के काफी जजमेंट है, लॉ क्लियर है कि कर्नाटक में कुछ बोले हैं उसकी मैटर सूरत में चल नहीं सकती। अगर चलानी है तो कानूनन जो प्रोसीजर करनी चाहिए वो हुई नहीं थी। राहुल गांधी जी ने किसी जाति के खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर नीरव मोदी, ललित मोदी देश को लूट के गए और उन तथ्यों को जनता के सामने वो रखते हैं तो उनका अधिकार है। यूएन कन्वेंशन में भी ये कहा गया है कि नेता की ये जिम्मेवारी भी है कि देश में ऐसी चीज जनता तक पहुंचे। फिर भी जो जजमेंट आया उसके खिलाफ हमारी अपील थी। राहुल गांधी जी बिल्कुल अपील के दौरान जो मुद्दे रखे थे उसमें क्या हाईकोर्ट का जजमेंट है उसको स्टडी करने के बाद अभिषेक मनु सिंघवी जी बात रखेंगे। पर यही गुजरात में भाजपा के सांसद नारायण भाई काछड़िया 2016 में उसका जजमेंट आया। अमरेली के अस्पताल में जाके एक शेड्यूल कास्ट डॉक्टर को पीटा, ऑन ड्यूटी मारा। नारायण भाई काछड़िया भाजपा के सांसद को सजा हो गई। उस सजा को गुजरात की हाईकोर्ट ने राहत ना दी पर सुप्रीम कोर्ट ने नारायण भाई काछड़िया को लाखों रुपये का पेनल्टी भरने के लिए कहा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक सांसद अपने क्षेत्र के नेतृत्व से वंचित ना रहे, उसका कंसिडरेशन भी किया। हाईकोर्ट के जजमेंट में जो कुछ चीजें हैं उनके सामने सुप्रीम कोर्ट में अपील होगी और मुझे पूरा विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी जी को जो ये आज तक के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, बीजेपी के एमपी के उसमें रवैया जो रहा, एक केरला में 307 के गुना में भी राहत दी है अभी अभी एक केस में, तो राहुल गांधी जी को इन तथ्यों को देखते हुए राहुल गांधी जी ने तो कोई गुनाह ही नहीं किया। पर दबाव